जय मसीह की। प्रभु ने एक और मौका दिया कि हम सब एकत्रित होकर प्रभु के वचन का अध्ययन कर सकें और प्रभु मुझे और आपको जो आत्मिक अनुग्रह देना चाहते हैं उसको प्राप्त कर सकें। ये प्रभु की बहुत बड़ी दया है। मैंने या आपने अपने जीवन में इस तरह का कोई धन्य काम नहीं किया है जिसके कारण प्रभु हमको इस तरह से अनुग्रह दें, लेकिन ये प्रभु की असीमित कृपा है कि प्रभु ने मुझे और आपको इस तरह से अनुग्रह दिया है। पिछले हफ्ते हमने देखा था कि इस संसार में जिसने भी जन्म लिया है उस व्यक्ति को एक नए जीवन की जरूरत है। ये बात प्रभु के वचन से ही हमने देखा था कि जब हम नए जीवन की बात करते हैं तो यह एक आत्मिक नया जीवन है। जब हम अपनी माँ से जन्म लेते हैं, शरीर से जन्म लेते हैं तो शारीरिक जन्म है। इस पृथ्वी पर किसी से जन्म लेते हैं तो वो जन्म पृथ्वी के लिए है, लेकिन प्रभु का वचन ही कहता है कि जब हम आत्मा से जन्म लेते हैं तब हम दूसरा जन्म या नया जन्म पाते हैं और तब हम आत्मिक हो जाते हैं। प्रभु का वचन ये भी याद दिलाता है कि एक व्यक्ति जिसने इस संसार में जन्म लिया है उसके लिए आत्मिक जन्म जरूरी है, और यदि वो उस आत्मिक जन्म को नहीं पाता है तो वो कभी भी प्रभु की उपस्थिति में नहीं जा पाएगा। मैं और आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि पृथ्वी का ये जीवन ये सिर्फ थोड़े से समय के लिए है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि विज्ञान कितनी भी प्रगति कर ले, लेकिन मनुष्य की उम्र दवा और उसके अलावा बाकी सब कुछ देने के बावजूद मनुष्य की उम्र 120 से ज़्यादा नहीं हो सकती। ताज्जुब है, मैं जब बच्चा था तब विज्ञान की दौड़ इतनी ज़्यादा थी कि मैं तो सोचता था कि मेरे जीवन के ख़त्म होते होते शायद विज्ञान इतनी प्रगति कर लेगा कि मनुष्य अपने जीवन को 100, 200, 400, 500 साल लंबा कर सकेगा। वैज्ञानिक आविष्कार शायद इस तरह से हो जाएंगे कि स्वास्थ्य और चंगाई दोनों हर व्यक्ति को मिल सकेगी, लेकिन पिछले लगभग 30 साल से साल में कम से कम दो दो तीन तीन बार सारी दुनिया के वैज्ञानिक इस विषय पर जो लोग रिसर्च कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं, वो लोग एक साथ एकत्रित होकर इस बात का अनुमान लगाते हैं कि मनुष्य किस दिशा में जा रहा है। और पिछले 30 सालों में बार बार उन्होंने ये बात बताई है, मनुष्य कुछ भी कर ले, कोई भी आविष्कार कर ले, लेकिन उसकी उम्र औसत 120 साल से ज़्यादा नहीं हो सकती। इसका मतलब यह है कि संसार का कुल मिला के जीवन 120 साल और उसके बाद शाश्वत काल हमारी आत्मा को जीना पड़ेगा। तो वो जो शाश्वत काल है, जो अनंत है, उसकी तुलना में 100 या 120 साल क्या मायना रखते हैं? कोई मायना नहीं रखते हैं। जिसका मतलब ये है कि हम में से जिसने भी इस नश्वर शरीर में जन्म लिया है उसको शाश्वत जीवन में प्रवेश करने का रास्ता ढूंढना चाहिए। और पिछले हफ्ते मैंने प्रभु के वचन से याद दिलाया था कि मुझे और आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, मुझे और आपको शाश्वत जीवन प्रदान करने के लिए प्रभु इस संसार में आकर प्रभु ने अपना जीवन बलिदान के रूप में अर्पित कर दिया। और प्रभु आपको और मुझे ढूंढते हैं, मैं और आपको आप उनको नहीं ढूंढ रहे हैं। और आज प्रभु के वचन का ये संदेश आपके पास इसलिए पहुंच रहा है कि प्रभु आपको ढूंढ कर आपके पास आते हैं।
और आपको ये शाश्वत जीवन का संदेश दे रहे हैं। संदेश हमने बहुत ही विस्तार से पिछले हफ्ते देखा था, वो संदेश का पहला भाग है। उसी संदेश का एक दूसरा भाग है जो प्रभु यीशु ने मृत्यु और पुनर्जीवन के बाद 40 साल तक 40 दिन तक शिष्यों को लगातार दर्शन देकर शिक्षा देने के बाद जाने से पहले प्रभु ने उसका सारांश अपने शिष्यों को बोला था या बताया था, जो प्रभु की जो चार जीवनियां हैं, मत्ती, मरकुस, लूका, योहन्ना, इस तरह के नाम आजकल नहीं चलते, 2000 साल पहले चलते थे। उसमें मत्ती ने जो ग्रंथ, महान ग्रंथ की रचना की है, उसके आखिरी अध्याय को खोल लीजिए। आखिरी अध्याय के 18वें पद से मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार, उसका आखिरी अध्याय, मतलब 28वां अध्याय, 18 से मैं पढ़ रहा हूँ। प्रभु यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम, मतलब मेरे शिष्य गण, जिसमें मैं और आप सब शामिल है, क्योंकि जिसने भी प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया है वो प्रभु का शिष्य है, वो प्रभु की शिष्या है, और प्रभु अपने शिष्यों और शिष्याओं से कहते हैं, इसलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। मतलब कोई व्यक्ति प्रभु यीशु का चेला कैसे बनता है? जब वो प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण कर लेता है, जब वो प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण कर लेता है तो प्रभु उसके मुक्तिदाता हो जाते हैं, प्रभु उसके प्रभु हो जाते हैं, प्रभु उसके गुरु हो जाते हैं, और हम उस प्रभु की संतान और प्रभु के चेले बन जाते हैं। तो जब प्रभु ने कहा तुम जाओ और सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, तो प्रभु ने जाने से पहले जो दो आज्ञाएं दी थी, उनमें पहली आज्ञा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण आज्ञा है, वो ये है कि जो प्रभु यीशु की संतान है उसे अपने जीवन भर जहाँ भी प्रभु ने उसको रखा है, चाहे आपको हिंदुस्तान में रखा हो या किसी विदेशी प्रदेश में रखा हो, चाहे आपको अपने गांव में रखा हो या परदेश में रखा हो, या परदेश से वापस आपके गांव ले जाते हो, जहाँ भी आप हो वहाँ आप में से हर व्यक्ति की बिना पुरुष और स्त्री के भेद के ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप प्रभु यीशु मुक्तिदाता हैं, इस संदेश को लोगों तक पहुंचाकर उनको नए जीवन का अनुभव करवा के, उनको प्रभु की संतान बनाकर उनको प्रभु के शिष्य बनाएं। इस पहली आज्ञा का संबंध पिछले हफ्ते मैंने जिस नए जीवन के बारे में बोला था उसके बारे में है। इसलिए हम जहां भी बैठते हैं, जहाँ भी काम करते हैं, जहाँ भी जीते हैं, वहाँ पर अपने साथियों को प्रभु का वचन, प्रभु यीशु के द्वारा जो नव जीवन है उसके बारे में बताना मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। भाई संतोष ने आज शाम को ये बात बताई थी कि वे जब अपने साथियों को ये संदेश देते हैं और जब उनसे कहते हैं कि आओ मेरे साथ, आओ प्रभु के बच्चों के साथ कुछ समय भजन, कीर्तन, प्रार्थना और प्रवचन में बिताएंगे, तो उनमें से कई लोग उनके जो न्योता है उसकी उपेक्षा करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, संसार का झुकाव सच्चाई के बदले सच्चाई से बिल्कुल विपरीत चीज़ों की तरफ है, और जब इस तरह की घटनाएं आती हैं और आएंगी, ये बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, जब इस तरह की घटनाएं आती हैं तब निराश ना हो, क्योंकि मेरी और आपकी जिम्मेदारी संदेश उनके पास पहुंचाना है, उस संदेश को ग्रहण करना या रिजेक्ट करना वो उनके ऊपर है। यदि वे लोग उस संदेश को ग्रहण करेंगे तो नए जीवन पाएंगे, उसको रिजेक्ट करेंगे तो वे लोग नए जीवन से वंचित रहेंगे। यह है प्रभु की आखिरी आज्ञा का
पहला हिस्सा। और ये बात मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि जब भी कोई व्यक्ति अपनी आखिरी आज्ञा देता है तो उसके बच्चे बहुत ही भय और भक्ति के साथ उस आखिरी आज्ञा को सुनते हैं और उसका पालन करते हैं और उससे बिल्कुल विचलित नहीं होते हैं। प्रभु ने जो आखिरी आज्ञा दी उसका दूसरा हिस्सा है, पहला हिस्सा था सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, उसका दूसरा हिस्सा है उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ये दो आज्ञाएं हैं जो प्रभु ने उनको दी थी। उसके बाद प्रभु ने ये कहा, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सर्वदा तुम्हारे साथ हूँ। आज मुझे और आपको इस बात का यकीन है कि प्रभु स्वर्गारोहण करके चले गए, लेकिन प्रभु को हम अपनी आँखों से नहीं देख पाते, इसके बावजूद प्रभु हमारे साथ हैं। तो इस बैकग्राउंड में प्रभु ने ये बात बताई, जब तक इस संसार का अंत ना हो तब तक तुम जाओ ये शुभ संदेश सुनाओ, जिससे कि प्रभु यीशु के द्वारा लोग नया जीवन पा सकें, और जो लोग नया जीवन पाते हैं उनको पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो या जल संस्कार दो। आप में से कई लोग जानते हैं कि बपतिस्मा क्या चीज़ है, कुछ लोग नहीं जानते हैं, तो मैं जस्ट उसका सारांश बता दूं। बपतिस्मे में प्रभु का कोई भी एक दास उस व्यक्ति को जिसने प्रभु को ग्रहण किया है और जो बपतिस्मा या जल संस्कार पाना चाहता है उसको लेकर गहरे जल में उतर जाता है, एक जिसने प्रभु को ग्रहण किया है और एक जो प्रभु का दास है, कोई भी हो सकता है, मंडली का कोई भी लीडर हो सकता है, और वहाँ पानी में उतरने के बाद उससे प्रश्न किया जाता है जिससे कि ये बात स्पष्ट हो जाए कि जो व्यक्ति बपतिस्मा लेना चाहता है उसने प्रभु यीशु के द्वारा नया जीवन पाया है क्या। मैं जनरली बपतिस्मा देता हूँ तो दो तीन प्रश्न पूछता हूँ, उसमें पहला प्रश्न ये है, भाई आपने आपको यकीन है क्या कि आपने प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया है। यहाँ दो युवा गाने के लिए हर हफ्ते आपके सामने खड़े होते हैं, इन दोनों को मैंने बपतिस्मा दिया था, उनके आत्मिक उन्नति को देखकर मुझे बड़ी खुशी होती है। उनसे मेरा पहला प्रश्न ये था, क्या तुमने प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया है? सब लोग सुन रहे थे इस मंडली के, और मैंने कहा जोर से बोलो जिससे कि सब सुन सके। उन्होंने कहा जी हाँ, मैंने प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया है। दूसरा प्रश्न ये था, क्या तुमको इस बात का यकीन है कि तुमको प्रभु ने मुक्ति दी है, उद्धार दिया है? सबके सुनते हुए उन्होंने जवाब दिए जी हाँ मुझे यकीन है। तीसरा प्रश्न ये था, क्या तुम अपने स्वयं की इच्छा से बपतिस्मा लेना चाहते हो? और जब तीसरे प्रश्न का उन्होंने जवाब दिया जी हाँ मैं अपने स्वयं की इच्छा से बपतिस्मा लेना चाहता हूँ, तब मैं उनको जवाब देता हूँ, मेरे पुत्र या मेरी पुत्री, तुमने इस सारी सभा के सामने जो स्वीकार किया है, जो मान लिया है, उसके कारण आज इस क्षण मैं तुमको पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देता हूँ। और ये बोलने के साथ साथ मैं उस भाई या बहन को पानी में पूर्ण रूप से डुबाकर उसको वापस ले आता हूँ, जो इस बात की निशानी है कि जिस तरह से प्रभु यीशु ने मेरे लिए अपना जीवन सूली पर दिया, दफनाए गए और 3 दिन और 3 रात के बाद पुनर्जीवित हो गए, उसी के समान मैं अपने मुक्ति के समय प्रभु के साथ एक साथ जोड़ दिया गया, और इसलिए एग्जैक्टली उस प्रभु के समान ही प्रभु वास्तव में पुनर्जीवित हो गए। मैं इस संसार में जो कुछ है सबको पीछे छोड़कर, सबको त्याग कर, जिस तरह से एक व्यक्ति दफना दिया जाता है उस तरह से पानी के अंदर जाकर
पानी के बाहर आया, जिससे कि सबके सामने ये गवाही हो कि मैंने नया जीवन पाया है। ये कितना महत्वपूर्ण है इस बात को नए नियम की पांचवी पुस्तक में हम देखते हैं। पांचवी पुस्तक है प्रेरितों के काम, उसके आठवें अध्याय को जरा खोल लीजिए। प्रेरितों के काम आठवें अध्याय में वहां प्रभु के एक महान दास के बारे में हम पढ़ते हैं, उसका नाम था फिलिपुस। मेरा सरनेम जो चलता है शास्त्री फिलिप, यह उस महान दास के नाम से आया है। बहुत ही महान दास था। 26वें पद में हम पढ़ते हैं, प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिपुस से कहा, उठो दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जाओ जो यरूशलेम को जाता है। वो उठकर चल दिया। देखो, कूश देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा और कूश की रानी कंदाके का मंत्री और खजांची था। वो कोई छोटा आदमी नहीं था। जनरली मंत्री अलग होता है, खजांची अलग होता है। कूश उस जमाने में बहुत ही बड़ा देश था, आज जिसे इथियोपिया कहा जाता है, उस समय के सबसे धनी देशों में से एक था। उस देश में कंदाके नामक जो रानी उस देश का शासन कर रही थी, उसका मंत्री और खजांची, जिसके पास सारा भंडार रहता है, वो जा रहा था। क्या कर रहा था? रथ में जा रहा था। पता नहीं आप में से कितने लोगों ने रथ देखा है। पुराने जमाने में आज के समान राजे महाराजे लोग उसी में यात्रा करते थे। मेहनत तो गुलाम करते थे, अंदर बैठ के वो आराम से पढ़ सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। वो पढ़ रहा था, ठीक है। वो किस लिए आया था? वो आराधना करने को यरूशलेम आया था। यरूशलेम यहूदियों का मंदिर है। कूशी व्यक्ति यहूदी नहीं है, लेकिन कहीं तो किसी प्रकार से प्रभु का वचन उसके पास पहुंचा। उसने इस बात को पहचाना कि यहूदियों का ईश्वर मुझे एक नया जीवन दे सकता है, और इसलिए वो कूश देश के या इथियोपिया देश के हर तरह के रीति रिवाज को छोड़कर यरूशलेम आया प्रभु की आराधना करने के लिए। रथ पर बैठा हुआ था, एक काम कर रहा था, यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था, जिसका मतलब है गया मंदिर, यरूशलेम में प्रभु की आराधना की और वापसी में प्रभु का वचन पढ़ता हुआ जा रहा था। ये एक बहुत अद्भुत बात है, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। कई बार हमको लगता है कि पुराने जमाने में लोगों को ये प्रभु का वचन कहाँ मिला होगा। ये आपकी गलतफहमी है। कूश देश का रहने वाला वो यरूशलेम आया प्रभु की आराधना के लिए, और जब वापस जा रहा था तो बाइबल की कॉपी, उस समय उसको जो भी बुक मिला होगा उसमें से यशाया, जो कि काफ़ी बड़ा स्क्रोल, उस समय वो लोग लेदर चमड़े का बहुत बड़ा टाट पट्टी नुमा लंबा होता था, उसके ऊपर लिखा जाता था और उसको गोल गोल करके रखते थे, उसको खोल के वो पढ़ता चला जा रहा था। फिलिपुस ने ध्यान दिया तो वो पढ़ रहा है। फिलिपुस ने पूछा, आप जो पढ़ रहे हैं क्या उसे समझते हैं? प्रभु का संदेश जब हम दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचाते हैं, तो एक बात मैं याद दिला दूं, करेक्ट प्रश्न पूछना भी जरूरी है। फिलिपुस ने करेक्ट प्रश्न पूछा कि आप जो पढ़ रहे हैं उसे समझ रहे हैं क्या? तुरंत उस आदमी का ध्यान फिलिपुस की तरफ गया और
खोजे ने जवाब दिया, जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं कैसे समझूं। ना केवल उस ऑफिसर ने या उस मंत्री ने यह जवाब दिया, मंत्री इस बात को समझ गया। पूछने के तरीके को देख के ही मंत्री को यह बात समझ में आ गई कि यह व्यक्ति इस महान ग्रंथ के बारे में जानता है, समझता है और समझा सकता है। और इसका कारण आगे लिखा हुआ है, और उस खोजे ने फिलिपुस से विनती की कि वह चढ़कर रथ में उसके पास बैठे। बाइबल से वो जो पोर्शन पढ़ रहा था वो आगे दिया हुआ है, वो मैं आपको पढ़कर नहीं सुनाने जा रहा, उसको समय मिलने पर पढ़ लीजिए। खोजे ने पूछा, मेरी विनती ये है कि भविष्यवक्ता ये जो कथन कह रहे हैं ये किसके बारे में है। फिलिपुस को तो विषय मिल गया। 35वें पद में हम पढ़ते हैं, तब फिलिपुस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र से आरंभ करके, मतलब यशया की पुस्तक से आरंभ करके प्रभु यीशु का शुभ संदेश सुनाया। कैसी अद्भुत बात है, मुझे और आपको प्रभु ने क्या जिम्मेदारी दी है, सारी दुनिया की सारी जाति के लोगों के पास जाओ और ये शुभ संदेश सुनाओ। और जब लोग इस तरह से प्रभु ने उनको जो आज्ञा दी है उस आज्ञा को गंभीरता से लेंगे तो सारी दुनिया में प्रभु का वचन फैलेगा। लगभग 33 ईस्वी में प्रभु ने शिष्यों को आज्ञा दी थी कि ये वचन सब जगह सुनाओ, और बहुत ही थोड़े से समय के अंतर से कूश देश में मंत्री उसको यह संदेश मिला। वो यरूशलेम आया, आराधनालय में प्रभु की आराधना करके परमेश्वर के वचन का जो भी पोर्शन उसको मिला वो खरीद के वो वापस जा रहा था और पढ़ रहा था, तब प्रभु ने उस व्यक्ति के सामने उद्धार का संदेश खोल दिया। यहां मैं बात याद दिलाना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु के द्वारा मुक्ति का जो संदेश है उसको हर जगह देते जाइए। रिजल्ट हो रहा है या नहीं, परिणाम मिल रहा है या नहीं, परिणाम के लिए हम प्रार्थना जरूर करें, लेकिन परिणाम दिखाई दे या ना दे, प्रभु का वचन जहां भी जा रहे हैं जैसे बीज बोने वाला है, जैसे वो बोता है उस तरह से हर जगह प्रभु का वचन देते जाइए। आगे बढ़ने के पहले मैं आप सबको याद दिलाना चाहता हूं, यहां इस सभा में हमने ना केवल आपको बाइबल और नया नियम उपलब्ध करवाया है, मैंने ये बात कई बार आपको बताई है कि हमारे पास हिंदी, केरल की भाषा और अन्य कई भाषाओं में पर्चे, छोटी सी पुस्तिकाएं और प्रभु का वचन उपलब्ध है। आपको जितना चाहिए हमको बताइए, हम आपको लाकर देंगे। वो जहां भी आप काम करते हैं देते जाइए, लोग उसको ग्रहण करें या ना करें ये उनके ऊपर छोड़ दीजिए, लेकिन प्रभु के स्वर्गारोहण के थोड़े ही समय के बाद इथियोपिया नाम के देश के मंत्री के हाथ में प्रभु का संदेश पहुंचा, ये इस बात को बताता है कि हमारी जिम्मेदारी यह है कि हम वचन हर जगह बिखेरते चले जाएं। जिस तरह से बीज बोने वाला बीज मुट्ठी भर लेता है और उसके सामने जो खुदी हुई जमीन है वहां पर फेंकता हुआ जाता है, वो एक एक बीज को एक एक छेद में डालता हुआ नहीं जाता है, बिखेरता है। इसी तरह से आप चाहे नौकरी कर रहे हों, कहीं रह रहे हों, वापस अपने गांव जा रहे हों, हमेशा अपने पास अपनी जेब में या अपने थैले में कुछ पर्चे जरूर रखिए और ये पर्चे हर जगह लोगों को देते चले जाइए, जिससे कि प्रभु का संदेश उनके पास पहुँचे। आज आपने पर्चा दिया, शायद 10 साल के बाद कोई और व्यक्ति उस व्यक्ति से बात करके उसको प्रभु के पास लाएगा। मेरी और आपकी जिम्मेदारी वचन हर जगह देने की है। कूश के इस खोजे से जब फिलिपुस ने वो जो पोर्शन पढ़ रहा था उसकी व्याख्या करके सुना दी, तब अचानक खोजे ने वापस फिलिपुस से एक प्रश्न पूछा।
35वें पद में, 36वें पद में, मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुंचे, तब खोजे ने कहा, देखिए यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है। मतलब उस रथ में उनको एक साथ बैठे बैठे मुझे लगता है एक आध घंटा हुआ होगा, जिस एक आध घंटे में फिलिपुस ने प्रभु का वचन पूरी तरह से उसको समझा दिया। और जब उसको प्रभु का वचन पूर्ण रूप से समझ में आ गया, तब उसने जैसे ही जल देखा, प्रभु के दास से कहा कि मुझे बपतिस्मा चाहिए, क्या रोक है। सी, दोनों प्रश्नों में बहुत फर्क है। मुझे बपतिस्मा चाहिए, वो एक हल्का सा प्रश्न है। जब वो कहता है कि अब क्या रोक है, मुझे प्रभु के राज्य में मैंने प्रवेश कर लिया है और प्रभु की आज्ञा का पालन करने में अब किस बात की रोक है, यह है उसका प्रश्न। फिलिपुस का जवाब जरा सुनिए। फिलिपुस ने कहा, यदि तुम सारे मन से विश्वास करते हो, मतलब यदि तुमने ये जो उद्धार का संदेश मैंने तुमको सुनाया है प्रभु यीशु के द्वारा, उस पर पूर्ण मन से विश्वास करते हो, उसको तुमने यदि अंगीकार कर लिया है, तो कोई रोक नहीं है। खोजे का जवाब दीजिए। देखिए, उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। उसने प्रभु यीशु को अपने मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण कर लिया था। तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी और फिलिपुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े और उसने खोजे को बपतिस्मा दिया। जब वे जल के ऊपर, जल में से निकल कर ऊपर आए, तो प्रभु की आत्मा फिलिपुस को उठाकर ले गया। जरा जरा सोचिए, उस खोजे को कितना शौक हुआ होगा कि जिस व्यक्ति ने घंटे दो घंटे उस रथ में बैठकर परमेश्वर के वचन की गहरी बातें समझाई, जब उसका बपतिस्मा हो गया तो प्रभु उसको ले गए। जी हाँ, हर बात के बीच में, हर बात के पीछे प्रभु का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। वो उद्देश्य जब हम आगे प्रभु के वचन को पढ़ते हैं तो समझ में बात आती है। लेकिन इस घटना से हम एक बात अच्छी तरह से समझ जाते हैं कि जहाँ भी प्रभु यीशु के द्वारा नए जन्म का संदेश सुनाया जाता है, तब जिस व्यक्ति ने भी उस नए जन्म को पाया है, ये अब उसकी जिम्मेदारी है कि बिना विलंब के प्रभु की आज्ञा के अनुसार वो बपतिस्मा पाए। दो भागों को देखा हमने प्रभु के वचन से आज। एक, प्रभु ने जाने से पहले अपनी अंतिम इच्छा बताई। अंतिम इच्छा में सिर्फ दो बातें हैं। एक, उद्धार के बारे में लोगों को बताओ, चेला बनाओ। दूसरी बात, जो भी इस संदेश को ग्रहण करे, इस संदेश को ग्रहण करने के कारण उसको जल संस्कार या बपतिस्मा दो। यही बात हम कुछ सालों के बाद देखते हैं कि रास्ते पर जब वो कूश का मंत्री, विदेशी आदमी जिसने प्रभु के बारे में थोड़ा सा सुन रखा था और यरूशलेम में आराधना करके प्रभु के वचन की पता नहीं कितनी किताबें उसको मिली होंगी, उसको खरीद कर ले जा रहा था और रास्ते में बैठा हुआ पढ़ता जा रहा था, उसका दिल सच्चाई जानने के लिए उत्सुक था, आतुर था। प्रभु ने उसके पास एक संदेशवाहक भेजा। उस संदेशवाहक ने मामला क्लियर किया। उसने इमीडिएटली प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया और जैसे ही उसने ग्रहण किया, वैसे ही उसने जल देखा और जल देखते ही उसने कहा कि अब बपतिस्मा लेने में या देने में क्या रोक है। फिलिपुस ने कहा कि अब कोई रोक नहीं है। तो आज जो बात पिछले हफ्ते के संदेश के साथ जोड़कर मैं बताना चाहता हूँ, वो ये है कि जिसने भी प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया है, प्रभु की आज्ञा उस व्यक्ति के लिए यह है कि अब चूंकि उसने प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया है, इस कारण अब प्रभु की आज्ञा उसने मान ली है, ये सबके सामने प्रदर्शित करने के लिए बपतिस्मा या जल संस्कार ले। मैं बार बार बपतिस्मा शब्द बोल रहा हूँ, ये यूनानी भाषा का एक शब्द है। उसका
हिंदी में उसका अर्थ होगा जल संस्कार। तो आज इस सभा में जितने लोग एकत्रित हुए हैं उन लोगों से मैं तीन बातें बोलना चाहता हूँ। पहली बात, यदि ये संदेश आप कई हफ्तों से या कई महीनों से सुन रहे हैं तो मैं चाहता हूँ आप इस बात को जान लें कि जिस तरह से उस मंत्री के मन में प्रभु की आत्मा की आवाज़ वो सुन रहा था, उसी तरह से आज प्रभु के आत्मा की आवाज़ को आप सुन लें। और जिस तरह से उसको एक व्यक्ति के मदद की ज़रूरत पड़ी थी, उस तरह यदि आपको मदद की ज़रूरत है तो हम में से किसी भी व्यक्ति से बात कीजिए, जिससे कि हम प्रभु के वचन को और स्पष्टतया आपको समझा सकें। पहली बात। दूसरी बात, आप में से जिन लोगों ने भी प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया है, उनकी जिम्मेदारी है कि वे दूसरों को ये संदेश सुनाएं। तीसरी बात, जिसने भी प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया है, उसने प्रभु के प्रति अपने विश्वास को दूसरों के सामने प्रदर्शित करने के लिए या गवाही के लिए बपतिस्मा या जल संस्कार का लेना जरूरी है। ये तीन बातें आज मैं आप सबको याद दिलाना चाहता हूँ। इसके साथ साथ एक बात और याद दिलाना चाहता हूँ, इस मंडली में, इस सभा में इस तरह के कई भाई और बहन उपस्थित हैं जिन्होंने प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करके बपतिस्मा पाया है। प्रिय भाइयों और बहनों, समय बहुत बुरा है, संसार का अंत होने वाला है, प्रभु का आगमन निकट है, और इसलिए मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि भरपूर ये संदेश अधिक से अधिक लोगों को हम सुना सकें। इस तरह से दूसरों तक ये संदेश पहुंचाने के लिए प्रभु मेरी और आपकी मदद करे। दूसरी बात, जो एक प्रबोधन के रूप में मैं बोलना चाहता हूँ, यदि कोई है इस सभा में जिसने प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण नहीं किया है, तो आज मुक्ति की ज़रूरत को समझकर प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण कीजिए। यदि आपने इस बात को, आपको यदि पूरी तरह से समझ में नहीं आई है तो हमसे बात कीजिए। क्लोजिंग में एक बात मैं याद दिलाना चाहता हूँ, हमारे पास बहुत सारे पर्चे वगैरह हैं, कितना भी चाहिए हमसे ले लीजिए, अपने दोस्तों को लीजिए, अपने दोस्तों को दीजिए, जिससे कि ये संदेश फैल सके। दिसंबर आ रहा है, दिसंबर के महीने में सारी दुनिया में लोग प्रभु यीशु की जयंती मनाते हैं। वो एक ऐसा अच्छा अवसर है जब हम ये ट्रैक्ट लोगों को दे सकें, क्योंकि लोगों के मन में बड़ी गलत फहमियाँ हैं कि ईसाई लोग चर्च में क्रिसमस के समय नाच गाना करते हैं, शराब आदि पीते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कई जगह तो एक साथ एकत्रित भी नहीं होते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु इस संसार में किस दिन उन्होंने जन्म लिया, इस बात का कोई महत्व नहीं है। महत्व इस बात का है कि मेरे और आपके जीवन में किस दिन जन्म लिया। लेकिन संसार इस बात को नहीं समझता है, और इस कारण क्रिसमस का दिन संसार बहुत अधिक उत्साह के साथ मनाता है। उस समय ये पर्चे बड़े उत्साह के साथ लोगों को, अपने दोस्तों को जरूर बांटें। आज प्रभु ने एक बार और हमको इस तरह से जो अवसर दिया है, उसके लिए मैं प्रभु का बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज जो संदेश हमने सुना, उसको ग्रहण करने के लिए और उसके अनुसार जीवन बिताने के लिए प्रभु हम में से हर एक की मदद करें। जय मसीह की।